भाई ये वाला व्लॉग भी अपना एडिट हो चुका है 30 जून 11 बजे के लिए स्केड्यूल कर दिया मतलब आज के लिए ही। तो फाइनली भाई आज का भी व्लॉग जा चुका है, ये डेली व्लॉग्स की स्ट्रीक नहीं टूटने देंगे। जितने भी लोगों ने सपोर्ट किया है कमेंट सेक्शन में, इतने लोगों ने बोला है कि भाई नहीं डेली व्लॉग तो भले ही 2 मिनट का डालो लेकिन डालो, भाई उस बात को हम ध्यान में रखेंगे और डेली व्लॉग्स हम डालते रहेंगे जब तक हो पाता है। पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि डेली व्लॉग की स्ट्रीक ना टूटे। आज का व्लॉग जा चुका है, फटाफट से करते हैं आज का दिन स्टार्ट। यार आज अपने लिए ब्रेकफास्ट में बना रखा है सूप, ऊपर से डाल रखा है वो जो टाइम पास मुंबई में मिलता है, यानी क्या बोलते हैं मतलब फ्राइड नूडल्स, तो वो थोड़े से डाल रखे हैं ताकि थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। बढ़िया हो रहा है भाई, लेकिन इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल रखे हैं, देख लो कैरेट वगैरह सब डाल रखा है। तो भाई आज मैं आ रखा हूँ EOD एडवेंचर पार्क। भाई यहाँ होते हैं काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर स्पोर्ट्स, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। चलो तो भाई देख लो प्राइस वगैरह यहाँ लिख रहे हैं, पॉज करके देख लेना और टिकट काउंटर ही देखो भाई, दो ही काउंटर में होने और यहाँ भर भर के भीड़ है। ऑल्दो बारिश वाला मौसम हो रहा है बट भीड़ बहुत ज़्यादा तंग है। 400 वाले तो बंद कर रखे हैं बारिश की वजह से, उसमें पुल और पता नहीं जो भी आउटडोर एक्टिविटीज़ थी सब कुछ उसी में थी, तो वो बंद हो रखा है अभी। तो हमने अभी फिलहाल 300 वाले ले लिया है, उन्होंने बोला कि अगर बारिश रुकती है मौसम सही होता है तो 100 रुपीज़ देके 400 वाला ऑप्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं भाई 300 वाले में क्या क्या चीज़ें हैं। 300 रुपये पर हेड। हाँ बाकी बाहर ही कैंटीन वगैरह सब कुछ मिल रहा भाई यहाँ। आगे बोलिंग हो रही है, भाई बारिश ने आज का पूरा सीन खराब कर दिया। और दूसरी चीज़ ये कि एडवेंचर पार्क नहीं है, ये मेला है भाई, मेला। ऐसे बारिश के मौसम में तो चलो ऐसा होता ही है, जैसे बोलिंग एरिया भर रखा था, अली पूरी की पूरी भर रखी थी, तो बारिश के टाइम पे हो सकता है ऐसा हो, बट इन जनरल ऑल्सो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ गया, इतनी भीड़ होती नहीं है। कुछ चीज़ें तो होती कि देख पाते, ऊपर से भीग लग गया हूँ, तबीयत ऑलरेडी ख़राब है, वेट करते तो क्या पता कुछ ना कुछ खेलने को मिल जाता, लेकिन स्टिल उस मेले में घुस के ऐसा फ़ायदा नहीं था। देखो जो भी है अपनी तरफ से फुल ट्राई कर रहा हूँ कि ये कुछ ना कुछ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ ना, बट देख लो किस्मत थोड़ी सी ऐसी है तो क्या ही कर सकते हैं इसमें। भाई लौट के बुद्धू घर को आए, तबीयत और ज़्यादा ख़राब है। बाय द वे एपिसोड 22 चल रहा है सीज़न 6 का, और भाई साहब मतलब सही कॉमेडी करा रखी है सभी बंदों से, नारुतो से, जो लाइफ ऑफ करी वाला एपिसोड है जिस किसी ने देखा है यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सीज़न 6 मेरे को फिर भी थोड़ा स्लो लगा इस कम्पेयर टू बाकी के सीजन, बट ठीक है जो भी है स्टोरी लिंक्ड है तो मज़ा ही आने वाला है। तो कल मैं वो देख रहा था नारुतो के वॉलपेपर्स, तो मैंने उसमें डाला कि बेस्ट सीन्स फ्रॉम नारुतो, तो उसके वॉलपेपर्स आ गए। वॉलपेपर में भाई मेरे को बहुत सी चीज़ें पता चल गई यार, मतलब नारुतो के आगे के रूप, उसकी आँखें सब कुछ दिख गई, और मैं अब कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ नारुतो के लिए। तो कल मुझे देहरादून निकलना ही है, देहरादून पहुँचते ही भाई मैं बहुत सारे एपिसोड्स एक साथ देखने वाला हूँ। यहाँ तो देखो इतना मौका मिल नहीं रहा है, टुकड़ों में किश्तों में देखने पड़ रहे हैं एपिसोड। अभी तो फिलहाल कुछ ऑर्डर करते हैं अपने लिए, मतलब बहुत दिन हो चुके हैं मैं वही सूप वगैरह पी रहा हूँ, मेरा बिल्कुल उससे मन उठ चुका है। अब वक्त आ चुका है कि कुछ बढ़िया सा खाया जाए और थोड़ी सी एनर्जी लाई जाए बॉडी में, क्योंकि बहुत हो गया यार ये बीमारी 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 बहुत हो गया, बहुत परहेज कर लिया, परहेज करके भी कुछ नहीं हो रहा है, तो अब लेट इट बी, अब आ चुकी है ज़रूरत कि बॉडी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। एडवर्स सिचुएशन और ज़्यादा एडवर्स डाल दो, खाओ बढ़िया करके भयंकर, और देखते हैं कि तबीयत इससे सही होती है और ज़्यादा ख़राब होती है। तो भाई मंगा दिया अपने लिए दोबारा से चिकन सूप, साथ में है ये यहाँ हिले वाली चाउमिन, और ये रही अपनी वेज बिरयानी। हुआ कुछ ऐसा कि ये चलाया गया, मैंने चला था शायद से, फिर इसके ऊपर ये चिया ने चला, फिर ये खुशी ने चला, मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं था मैंने फिर ये चला, चिया पे कुछ ऑप्शन नहीं था चिया ने फिर ये चल दिया, और एंड में फंस गया ये देखो एक भी पावर कार्ड नहीं आ रखा बेचारी पे, वो तेरो उठ गए भाई। बढ़िया पार्टी चल रही है, देखो पनीर मोमो मंगा रखे हैं, पनीर शवरमा क्या बोलते हैं सर, पिज्ज़ा मैक पफ, तो कोल्ड कॉफ़ी क्या, यहाँ पॉपकॉर्न है, यहाँ एक मैक स्पाइसी चिकन है, इधर चिकन शवरमा है, वेज महाराजा मैक है, फर्स्ट टाइम मंगा रखा है ये चिकन शवरमा बर्गर, लेट्स सी ये कैसा होता है। भाई मैं
सर रात को ही बैठ के एडिट कर रहा हूँ ताकि सुबह आराम से नींद पूरी कर लूँ और फिर अपना देहरादून के लिए निकल जाऊँ। मैंने अभी देखा कि क्लिप्स 18-20 क्लिप्स हैं यार, और बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लग रहा है कि ज़्यादा चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ तबीयत की वजह से बोलूँ, या इवन आज तो मैं तबीयत ख़राब होने के बाद भी गया था EOD की, चलो कुछ नया रिकॉर्ड करने के लिए मिल जाएगा व्लॉग के लिए, बट वो तो बारिश की वजह से सब कुछ प्लान ही ख़राब हो गया। थोड़ा सा बुरा लग रहा है बट अब देखो क्या ही कर सकते हैं, देहरादून जा रहा हूँ, क्या पता वहाँ थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज हो, अपना क्लाइमेट चेंज हो तो थोड़ी सी तबीयत सही हो जाए। कल संडे है तो मंडे से जिम भी ज्वाइन कर लूँगा, आई होप संडे तक तबीयत भी ठीक हो जाएगी। बाकी आई जस्ट होप आप लोग ये वाला व्लॉग आपने देख लिया हो, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई विल कैच यू गाइस ऑन द नेक्स्ट वन। कल निकलते हैं देहरादून के लिए, चलो गुड नाइट।